मॉर्निंग गाइस, अभी मैं रेडी हो गई हूँ चर्च के लिए और रामिन को भी रेडी कर दिया है और हम वेट कर रहे हैं डेनिस भाई की। डेनिस भाई जिनको हमने कल की पार्टी में आपको मिलाया है, वो मार्टी अंकल के सबसे बड़े बेटे हैं और वो हमें हमेशा चर्च के लिए लेने आते हैं और फिर वापस ड्रॉप भी करके जाते हैं। तो ये इसलिए है कि मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता है और अर्पित को भी यहाँ पर अभी संडे को ज़्यादातर वर्क होता ही है, तो वो जॉब पर होते हैं अर्पित, तो मुझे और आमिन को चर्च अटेंड करने के लिए डेनिस भाई का हेल्प मिल जाता है और डेनिस भाई मेरे साथ साथ सरली आंटी को भी, क्योंकि सरली आंटी भी मेरे जैसे ही है, उनको भी नहीं आता है ड्राइविंग, तो मेरे साथ साथ सरली आंटी को भी पिकअप करते हैं। तो ये ऐसे ही हमारा संडे चला जाता है, पूरा दिन चर्च में जाते हैं, सब लोगों को मिलते हैं, प्रेयर करते हैं और वहाँ पर खाना भी होता है। तो मैं और आमिन बहुत ही इंजॉय करते हैं चर्च की एक्टिविटी को और फिर ऐसे करके पूरा दिन हमारा चला जाता है। आज मैं जितना हो सकेगा उतना मैं चर्च का ले लूँगी वीडियो और मैं बताऊँगी आपको कि हमारी चर्च की एक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग चर्च के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ डेनिस भाई और पीटर भाई दोनों हैं जो हमको कार लेने आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सरली आंटी को लेने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग चर्च में आ गए हैं और ये है हमारा चर्च का गेट। मैं और आमिन अभी अंदर एंटर होने वाले हैं बट मैंने सबकी परमिशन नहीं ली है इसलिए अभी मैं अंदर वीडियो बनाऊंगी नहीं, बाद में सबको बताने के बाद साथ लास्ट में शायद हो सकेगा तो मैं लूंगी। That looks yummy. Yeah. That looks yummy. अभी हम चर्च में से निकल रहे हैं, अभी हमारा चर्च टाइम ख़त्म हो गया है, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर ही था, वो सारा ख़त्म हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए वापस। तो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, हमें छोड़ने के बाद अभी डेनिस भाई भी निकल रहे हैं अर्पित को कार वापस करने के लिए। आमिन को तो सारी गिफ्ट बहुत ही पसंद आई है और एक एक गिफ्ट उसकी पसंद की और उसकी चॉइस की है और सारी चीज़ों को उसने कल ही इस्तेमाल भी कर लिया है। ये है वैक्यूम, क्योंकि आमिन को हम वैक्यूम क्लीनर बहुत पसंद है, वो हर जगह पे जाता है तो वही पकड़ लेता है, तो हमारे फ्रेंड्स को ये पता था इसलिए उन लोगों ने वैक्यूम का खिलौना दिया है। थैंक यू सो मच। बाकी हर चीज़, ये जो बाइक है वो भी उसे बहुत पसंद है, छोटी छोटी कार होती है वो भी उसे बहुत ही पसंद है, ये जंपिंग कार जो दिया है ये भी बहुत ही बढ़िया खिलौना है। और क्या क्या गिफ्ट आई है, मैं और आमिन अभी चर्च में से आए हैं और ये गिफ्ट अनपैक करने बैठ गए हैं हम दोनों, क्योंकि आमिन को सारे खिलौने देख के रहा ही नहीं जाता था इसलिए उसको मैं सारे खिलौने अभी खोल के दे रही हूँ, क्योंकि अर्पित तो अभी नौकरी पर है, वो अभी अपनी जॉब ख़त्म करके शाम को आएंगे, तब तक आमिन का वो हो जाता है ना बच्चों को कि मेरा गिफ्ट मुझे देखना ही है। अभी तो वो बाइक इंजॉय कर रहा है, अभी ये बाइक देखनी है, हाँ स्पाइडरमैन वाली। वाह, आई मीन वाटर हिप्पो, वाह।
आमिन भी पास होते कितने बड़ा टॉयस ले गया है। ओ माय गॉड आमिन કાઢવાની બધી અત્યારે બધી કાઢું જ બેઠું હતા બધી જ વાત એ કર નાખી કાઢી દઉં વેરી ગુડ વેરી ગુડ વેરી ગુડ આમેન વાવ આમેન નું ફેવરેટ છે આ તો એ વાવ વાવ આટલી બધી કાઢ છે બાપરે બાપ આમેન થેન્ક યુ માટી અંકલ ફોર ધીસ બાઇક ઇલેક્ટ્રિક બાઇક to Amin and thank you Dylan and Yasmin for the toy the lovely toy and thank you Jasmine for this lovely spider car and thank you Super Ben for vacuum Amin vacuum and thank you Ken uncle thank you so much for this lovely car set and water hippo and cap thank you very much Sukhdev for this lovely gift isme mujhe thodi mehnat karke banana hai to main baad mein kar diya par to banaungi बतिया आमिन को बहुत ही पसंद आया है सब गिफ्ट आमिन को बहुत ही पसंद आए हैं सब लोगों को बहुत ही थैंक यू धन्यवाद जिन लोगों ने आमिन को बर्थडे विश किया है बाय फोन मैसेज कमेंट एंड स्टेटस में भी बहुत सारे लोगों ने रखा था आमिन का फोटो एंड बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया था हम लोग काफ़ी सारे फ़ोन अटेंड भी नहीं कर पाए हैं उस वजह से मैं सॉरी बोलती हूँ सबको बट जितना भी लोगों ने जिस भी तरीके से आमिन के लिए ब्लेसिंग और विश किया है उन सबको दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ और आमिन इस बार तो थैंक यू नहीं बोल पा रहा है बट नेक्स्ट ईयर वो श्योर आप लोगों को थैंक यू भी बोल पाएगा अभी तो उसको ये तीनों में ही इंटरेस्ट है और आमिन को उसके साथ में एक कार्ड भी मिला है बहुत ही बढ़िया कार्ड है वेरी नाइस आमिन देखो यहाँ पे टू लिखा है आपकी बर्थडे का आमिन देखा डियर आमिन हैप्पी सेकंड बर्थडे फ्रॉम जील एंड कैन आमिन जील आंटी को भी थैंक यू बोलो और कैन अंकल को भी थैंक यू बोलो बहुत सबको थैंक यू सब लोग आए और आपका दिन को स्पेशल बना दिया ना आई जा आई जा બાંધવો પડશે ભાઈ બાંધવો પડશે આમિન ના તો બહુ મસ્તી કરે છે મસ્તી ખોરશે એક વાર હા આમિન કો ઘૂમને જાના હે पापा फन करा कितना खुश हो रहा है देखो ना वो गाड़ी में बैठते ही इतना खुश हो रहा है पूरा दिन इसलिए पापा की राह देखता है वो पापा आए और मुझे बाहर निकलने को मिले जेल में से ऐसा है उसे एक्चुअली अभी पूरा दिन धूप होती है ना इसलिए मैं उसे बाहर नहीं निकालती हूँ और उसको यूं है कि मेरे पापा आएंगे तो ही मुझे बाहर निकलने को मिलेगा वो ऐसा समझ चल क्या वेरी गुड कर वेरी गुड कर फरी वेरी गुड कर अरे वाह वाह मम्मी मम्मी साथे कर वेरी गुड मम्मी हां हां चल अपने एक चक्कर लगा के आते हैं ठीक है हां तो अब क्या करें इसको बिठाया तो लगाना पड़ेगा ले पकड़ फोन तो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी हम लोग कार में बैठे हैं वो भी नाइट ड्रेस में सब लोग तो ऑब्वियसली आमिन की फरमाइश है वो क्या करता है कि जब भी डैडी आते हैं घर पे तो वो डैडी से बहुत ही लाड़ लड़ाता है और कैसे भी करके पटा लेता है और बस डैडी पिघल भी जाते हैं देखो अभी तो डैडी पिघल भी गए हैं और अभी हम सबको नाइट ड्रेस में घूमना पड़ रहा है ना इसको एक चक्कर लगाना तो बनता है जी हाँ जी हाँ गाइस देखो यहाँ पर आमिन तो उतरने के साथ ही दौड़ा है ये घर देखकर अर्पित और आमिन नीचे उतरे हैं अब मैं भी नीचे उतर रही हूँ
यहाँ पर क्रिसमस लाइटिंग अच्छी तरीके से किया हुआ है, पूरे घर को सजाया है, तो वो देखने के लिए आमिन दौड़ा दौड़ा चला आया है यहाँ पर। तो उसकी वजह से उसको उसके पापा की याद बहुत आती है। पापा होते हैं तो बाहर निकलना होता है, ये सब फन उसको मिलता है। और पूरा दिन मैं तो धूप की वजह से उसको जल्दी बाहर निकालती नहीं हूँ, घर में ही रखती हूँ। तो अभी वो इंजॉय कर रहा है अपने पापा के साथ का टाइम। तो आमिन को तो मजे ही मजे है। अभी देखो अभी पापा उसको अंदर तक ले जाएंगे, किसी और के घर में भी घूम कर आ जाएंगे ये लोग। चलो अभी उसको तो यहाँ पर खेलना ही है, घर वापस जाना नहीं है। अभी उसको लाइटिंग के साथ खेलना है, घर नहीं जाना है। देखो जबरदस्ती लाना पड़ रहा है अभी उसे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप इसके हाथ में जो टॉय देख रहे हो वो अपने इंडिया की रिक्शा है। हमें इंग्लिश में इसको रिक्शो भी बोलते हैं। और वो रिक्शा वट एवर इट इज, मगर वो उसने हम दिल्ली एयरपोर्ट से हम लास्ट ईयर जब दिस ईयर जब इंडिया आए थे अक्टूबर में, तो हम एयरपोर्ट पे थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, और आमिन ने एयरपोर्ट पे देखी ये रिक्शा। तो उसने सारे खिलौने थे वहाँ पे, फरारी थी, सारे खिलौने थे, मगर उसमें से उसने यही टॉय पसंद किया और उसने यही टॉय लिया। और अभी दो महीने हो गए हमारे यहाँ पे आके हुए, मगर वो अभी भी उसी से खेल रहा है कि ना भाई देखो मैं तो देसी बंदा हूँ, ठीक है, मैं इंडिया का हूँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा जन्म हुआ है, मगर मैं तो रिक्शा से ही खेलूंगा, मेरे को टैक्सी पसंद नहीं है। सही है आमिन, सही है अर्पित। है कि नहीं? हाँ सही है वो। खाने में भी देसी चीजें ज्यादा पसंद है उसे। हम तो अपने बच्चे को ना ऐसे ही बड़ा करते हैं कि भाई देख तू चाहे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, मगर अपने जो कल्चर है और अपने जो इंडिया के जो हिंदी में कहते हैं कि अपने गुण होते हैं, ठीक है, कि जो हमको सीखने मिलते हैं उसी में हमको आनंद करना है। तो ये बच्चा भी वैसे ही सीख रहा है और वो वैसे ही देख रहा है। और देखो आप कभी भी देखोगे ना इसको तो ये खिलौनों के साथ में आपको खेलता नजर आएगा ही आएगा। हाँ सही है। चलो फिर चलते हैं अब आगे। हाँ जी, मैं बेल्ट बांधने का बाकी मेरा। पहले बेल्ट बांध ले हमारा प्यारा प्यारा बच्चा। Hey guys, how you going? Amin say hi. Hello. यहाँ का यही होता है कि अगर आप किसी को भी रास्ते में देखो ना तो आप उनको हाय बोल दो, तो वो भी आपको कहते हैं कि हाँ जी आप कैसे हो, मजे में हो, ये है वो है। ये होता है कि कोई भी अगर रास्ते में जा रहा है तो आप उनसे बात कर दो, आपसे बात ऑटोमेटिकली बात करना शुरू करता है। तो आमिन को भी मैं वही सिखा रहा हूँ, है कि नहीं आमिन? चल अभी घूमने नहीं जाना है तो कितना भी लाड़ कर ले। देखा कितनी समझ आती है इसको। फिर से बोल। वेरी गुड कर। चलो पग ऊपर आम अने आ। वेरी गुड।